हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है दोस्तों कि बम्पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी TCG की तरफ से 140 पदों पे भर्ती निकाला गया है, वो भी ओवर व्यू यहाँ पे आपको दे दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या कैटेगरिया है, सारी चीज़ क्या फीस लगने वाला है, सब चीज़ आपको इसमें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम बता दे, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पोस्ट का जो नेम दिया गया है यहाँ पर, इंडियन आर्मी TCG 140 रिक्वायरमेंट 2024। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ चलते हैं, देख सकते हैं कि डेट जो है अप्लाई डेट कब होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट डेट जो मतलब जारी किया गया था वो 13/4/2024 को जारी किया गया था। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मतलब पोस्ट ऑफ टाइप किस मतलब जॉब वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी जॉब वैकेंसी है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि वैकेंसी पोस्ट नेम क्या है। तो वैकेंसी पोस्ट नेम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी TCG 140 एग्जाम जनवरी, मतलब एग्जाम जनवरी में होगा 2025 में। दोस्तों बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आई है। और स्टार्ट डेट की बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि 10/4/2024 को ये अप्लाई ऑनलाइन चालू हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो 9/5/2024 तक यहाँ आपको अप्लाई मतलब लास्ट डेट रहने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अप्लाई मोड क्या होगा, तो ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आपका नहीं होने वाला है, ये आपको ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.NIC मतलब इन पे आपको जाके विजिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग डेट मतलब अप्लाई होने वाला है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मैं एक बार बता दिया हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 10/4/2024 को आपको पता हो गया और लास्ट डेट 9/5/2024 को अप्लाई जो मोड है ऑनलाइन होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो मतलब इंडियन आर्मी TCGX रिक्वायरमेंट अप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है इसका। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका फ़ी मतलब जनरल OBC के लिए 1 रुपया नहीं लगने वाला है और SC ST के लिए यहाँ पर कुछ पैसा आपको शुल्क नहीं लगने वाला है। तो बहुत अच्छा खासा ये वैकेंसी है, बिना पैसे की आप मतलब यहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम इंडियन आर्मी TCG नोटिफिकेशन 2024 डिटेल्स, मतलब इसके बारे में क्या बताया गया है, कैसे ये आपको कितना कितना पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे आपको बता दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल बिल्डिंग, यहाँ पे कंसर्निंग टेक्नोलॉजी मतलब 7 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होते हैं उनके 7 मतलब यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 यहाँ भी रखा गया है। अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वहाँ पर यहाँ पर इसका पद 3 रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पद 3 और यहाँ पे 4 यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंडियन आर्मी TCG रिक्वायरमेंट 2024 को जो एज लिमिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज लिमिट आपको 20 ईयर्स दिया गया है। 20 ईयर से 27 ईयर्स आपको मतलब यहाँ पर रखा गया है, जिसमें आपको एज काउंट किया जाएगा 1/1/2025 से आपको यहाँ पर एज काउंट करने मतलब किया जाएगा। अब उसके बाद देख सकते हैं कि अप्लाई यहाँ पे करना होगा, तो देख सकते हैं क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पे SHG SHC मतलब होता है रिक्वायरमेंट, उसका भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं डायरेक्ट इंडियन आर्मी का, तो भी आप मतलब क्लिक करके जा सकते हैं। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल और पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।